Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss microcytic hypochromic anemia. Microcytic यानी इसमें क्या होता है कि जो red blood cell होते हैं उनका size as compared to normal small होता है. Hypochromic उनका जो central pallor होता है ना वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इनका color होता है ना वो कम होता है as compared to normal cells. अब हम देखते हैं कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के पीछे रीज़न क्या है. उसके लिए हम सीरम में चेक करते हैं फेरेटिन की अमाउंट. ठीक है, अगर ये लेस देन 33 पीको मोल पर लीटर है तो इसका मतलब है कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. फेरेटिन क्या होती है कि आयरन जो एक्सेस में होती है वो बाइंड हो जाती है ट्रांसफेरिन के साथ और कन्वर्ट हो जाती है फेरेटिन में. फेरेटिन बेसिकली स्टोरेज सोर्स है. हीमोग्लोबिन भी आयरन को इसी फॉर्म में पिक करती है. अगर सीरम में आयरन जो है फेरेटिन की फॉर्म में लेस देन 33 है तो इसका मतलब है ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है जो काज कर रहा है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. लेकिन अगर सीरम फेरेटिन की कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेटर देन 270 है तो इसका मतलब ये है कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है बल्कि किसी और वजह से माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हुआ है. अच्छा, अगर सीरम फेरेटिन की अमाउंट जो है वो 33 to 270 पीको मोल पर लीटर के दरमियान में आ जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी नॉर्मल रेंज में सीरम फेरेटिन मौजूद है, फिर हम देखते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी है. ये जो TIBC है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, अगर ये हाई होती है तो फिर भी ये हमें लेके जाएगी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के पास कि आयरन जो है वो तेज़ी से बाइंड हो रही है ट्रांसफेरिन के साथ, फेरेटिन बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में जो आयरन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है तो ये भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. लेकिन अगर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी लो है या बिल्कुल कम है तो फिर हम जाते हैं बोन मैरो की तरफ. वहाँ में हम देखते हैं कि बोन मैरो में फेरेटिन कितनी मौजूद है. अगर बोन मैरो में फेरेटिन नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. लेकिन अगर बोन मैरो में फेरेटिन मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का कोई और काज है. अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं. सबसे पहले तो है आयरन रिलेटेड टेस्ट. इसमें हम देखते हैं कि आयरन का लेवल जो है वो नॉर्मल है या नहीं. अगर आयरन का लेवल नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं है. अगर लेवल नॉर्मल नहीं है तो इसका मतलब है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. उसके बाद हम देखते हैं काज की तरफ, सीरम फेरेटिन को चेक करते हैं. अगर नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होगी, 33 to 270 पीको मोल पर लीटर. लेकिन अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 33. उसके बाद टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी नॉर्मली होती है 300 to 340. लेकिन अगर ITA है यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो ये ग्रेटर देन 400 होगी. सीरम आयरन नॉर्मली वैल्यू इसकी होती है 50 to 150 लेकिन ये लेस देन 30 होगी. सैचुरेशन जो है नॉर्मल वैल्यू इसकी 30 to 50 है लेकिन ये लेस देन 10 होगी. बोन मैरो में आयरन अगर नॉर्मल है यानी कोई इशू नहीं है आयरन का तो बोन मैरो में आयरन मौजूद होगी. लेकिन अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो बोन मैरो में आयरन का स्टोरेज जो है वो नहीं होगा. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसमें जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो माइक्रोसिटिक होते हैं क्योंकि उनका साइज स्मॉल होता है. लेस देन 80 जो है वो उनका MCV होता है, मीन सेल वॉल्यूम, और RBC का साइज लेस देन 6 होता है. रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ की अगर हम बात करें तो वो जो है वो स्क्यू टूवर्ड्स लेफ्ट क्योंकि 90 का एंगल जो है इसमें नहीं बन रहा होता. नॉर्मल में क्या होता है, 90 का एंगल बनता है. हाइपोक्रोमिक यानी इनका कलर जो होता है ना वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल RBCs क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लेस देन MCH मीन सेल हीमोग्लोबिन वो लेस देन 27 पिकोग्राम है. जबकि अगर हीमोग्लोबिन काउंट की बात करें तो वो लेस देन 30% है. रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स जो है वो लेस देन 2 है जबकि रेटिकुलोसाइट काउंट जो है वो मे बी ग्रेटर देन 2 हो सकता है. सीरम फेरेटिन की वैल्यू बहुत लो होती है, लेस देन 30. टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो इंक्रीज़ हो जाती है जो कि प्रूव कर रही है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. सीरम आयरन जो होती है वो भी लो होती है. बोन मैरो में जो आयरन का स्टोरेज है वो भी नहीं होता क्योंकि आयरन मौजूद नहीं है. इसके बाद ऑक्लेट ब्लड लॉस की अगर हम देखें तो 2 days नॉन वेज फूड जो है वो खा के पता चलेगा इसके लिए. ठीक है, पीका और पैगोफेगिया, इसमें क्या होता है कि दिल करता है आइस खाने का, ये एक इंडिकेशन है कि आयरन डेफिशिएंसी है बॉडी में. उसके बाद अब्जॉर्प्शन ऑफ हीम आयरन फेरस फॉर्म में जो होती है ना वो ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू फेरिक फॉर्म. फूड फाइटेट्स
कैल्शियम फॉस्फेट एंड एंटासिड्स की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो कम हो जाती है, एस्कॉर्बिक एसिड की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है, ओरल आयरन जो है उसकी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ट होती है इसमें, वो कार्बोनाइल आयरन है, फेरस सल्फेट बेस्ट होता है, रिजर्व पेरेंटेरल जो है उसको भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ये आरएक्स जो है ना ये प्रिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं हम। इसका क्या मतलब है कि आयरन जो है ना वो मतलब हम उसकी ड्रिप्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा इशू हो तो पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है, यानी रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो भी लगाए जा सकते हैं। और आयरन ट्रीटमेंट जो है कंटिन्यू की जाती है एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए, अगर नॉर्मल HB अटेन हो गया ना उसके बाद भी 2 मंथ्स के लिए आयरन ट्रीटमेंट जो होती है वो दी जाती है। 1 ग्राम इंक्रीज आता है HB में आफ्टर एवरी वीक। और इसके साथ जो सप्लीमेंट प्रोटीन्स होती है ग्लोबुलिन कंपोनेंट्स के लिए वो भी प्रोवाइड की जाती है प्रिस्क्रिप्शन में। यानी प्रिस्क्रिप्शन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए, या तो ऑरल आयरन दी जाती है, ठीक है, फेरस सल्फेट इसके लिए बेस्ट है, या फिर इंट्रावेनसली दी जाती है, ड्रिप्स लगाई जाती हैं, पैक सेल ट्रांसफ्यूजन की जाती है। और इसके अलावा अगर नॉर्मल HP हो जाए तो उसके बाद भी 2 मंथ्स तक जो आयरन ट्रीटमेंट होती है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं ग्लोबुलिन कंपोनेंट्स की डेवलपमेंट के लिए। तो ये था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया का मेजर काज तो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ काज हो सकते हैं, जैसे क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं उसमें सीरम आयरन जो है वो कम हो जाएगी और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। थैलेसीमिया में आयरन तो मौजूद है लेकिन आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं है। हीमोग्लोबिनोपैथी यानी हीमोग्लोबिन के इशू में क्या होता है, सीरम आयरन भी नहीं है और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी नहीं है। लेड पॉइजनिंग में भी ऐसा ही है, आयरन भी नहीं है और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी मौजूद नहीं है। तो ये माइक्रोसिटिक एनीमिया लाजमी नहीं है कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो, इसके और भी काज हो सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, रिंग साइडरोब्लास्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ना कि आयरन जो है वो कमुलेट हो जाती है रिंग की फॉर्म में अराउंड द रेड ब्लड सेल्स। इसको हमने स्टेन किया रशियन ब्लू स्टेन से, तो इसको हम कहते हैं रिंग साइडरोब्लास्ट इन बोन मैरो।